हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम इन सर्च मी ऑल इन वन दुनिया। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है जी। तो आज हम एक आईपीओ के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा आपके सामने है, इजिडा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा आईपीओ अनाउंस किया गया है। तो आज हम इस कंपनी के बारे में बेसिक डिटेल और आईपीओ के बारे में जानेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और आपको बताते हैं आज के आईपीओ के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस तरीके की रेगुलर अपडेट चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप भी चाहते हो आईपीओ में अप्लाई और इन्वेस्ट करना, तो किसी भी थर्ड पार्टी ऐप जो रजिस्टर्ड है स्टॉक एक्सचेंज से, वहां जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं जी। तो जैसे आपके सामने है, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड द्वारा आईपीओ अनाउंस किया गया है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड जी, और मार्च 1987 में इनकॉर्पोरेट हुई। ये एजेडा लिमिटेड, इट इज ए पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है, और इसे जो कंट्रोल करता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और बाकी यहाँ पे डाटा दिया गया है, और इसका मेन जो काम है वो आपके सामने अभी। इट इज एक्सपीरियंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट हैज बीन एक्टिविट प्रमोटिंग डेवलपिंग एंड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट जी। तो मेन इनका काम ये रहता है प्रमोट करना, डेवलप करना और प्रोवाइड करना फाइनेंशियल सपोर्ट किसको, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को, एज वेल एज एनर्जी एफिशिएंसी एंड कन्वर्जेशन प्रोजेक्ट फॉर ओवर 36 ईयर्स जी। तो 36 सालों से या उससे अधिक से ये अपनी जो सेवाएं हैं वो दे रहे हैं, कभी प्रचार में, विकास में और वित्तीय में। तो ये आप देख सकते हो मेन इनका वर्क क्या क्या है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है और जो इकोनॉमी को मजबूत करना है। मेन इनका पर्पस ये है कि इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए या मजबूत करने के लिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करना सबसे पहले जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होगा तभी स्टैंडर्ड बढ़ेगा, और उसकी वजह से जो रेट है या इकोनॉमी है वो ऑटोमेटिक बढ़ेगी जी। तो आगे इरेडा लिमिटेड द्वारा ये आईपीओ से रिलेटेड कुछ बेसिक डिटेल। प्राइस रेंज की बात करें तो 30 से 32 फाइनल किया है, और इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन क्वांटिटी, इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट या रखी गई है, मिनिमम क्वांटिटी 460 है, मैक्सिमम 5,980 उसके बेस पे इन्वेस्टमेंट है, मिनिमम 13,800, मैक्सिमम 1,93,360। डेट की बात करें, 21 नवंबर से 23 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। टाइमिंग 10 AM से 5 PM। फेस वैल्यू ₹10 पर इक्विटी शेयर। अगर शेयर मिलते हैं उनको अलॉटमेंट फाइनल होगा 29 नवंबर, ना मिलने पर रिफंड होगा 30 नवंबर तक, और शेयर ट्रांसफर होगी डीमेट अकाउंट में 1 दिसंबर तक, और उनकी लिस्टिंग होगी 4 दिसंबर तक जी। तो ये आप देख सकते हो, और ये कंपनी का प्रोस्पेक्टस बिफोर अप्लाई ये आप पढ़ सकते हो। कंपनी के फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल और बाकी थिंग्स के बारे में आप जान सकते हो कि क्या रहा, और उसके बाद ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आके आप चेकआउट कर सकते हैं कंपनी के बारे में पूरी डिटेल कि किस किस बेस पर लोन ये प्रोवाइड किया गया है। तो ये आप देख सकते हो, इनका ये मैप तैयार है कि कितना कितना परसेंट दिया गया है जी। तो ये थी बेसिक डिटेल आईपीओ से रिलेटेड। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर आप कर सकते हैं। अगर कुछ पॉइंट मिस हुआ तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।